ये देखिए दोस्तों, ये है दौलत की चाट और ये है केसरिया दूध। कहाँ पर आए हैं, शॉप की क्या टाइमिंग है, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो में एंड तक बने रहेगा, मजा आ जाएगा। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त होड़ी अमित कनपुरिया। और भैया आज हम लोग घूम रहे हैं बिरहाना रोड के पास। और बिरहाना रोड तो इस समय आप जानते हैं सर्दियों का टाइम है, तो बिरहाना रोड पे हर जगह पे, ज़्यादातर जगहों पे मक्खन मलाई मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो वन ऑफ द फेमस पुरानी सी शॉप है, कौन सी, शुक्ला मक्खन भंडार, यहाँ पर हम आज आए हैं। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं ओनर से, बात करते हैं और अपने लिए मक्खन मलाई लगवाते हैं, उसका आनंद लेते हैं। नमस्कार अंकल जी, क्या नाम आपका? सिद्धेश्वर शुक्ला। शुक्ला जी, अच्छा जी अंकल जी, आपकी शॉप कितनी पुरानी है? कम से कम 50 साल, सन 74 से 48 साल हमने दूध भंडार में लाठी महल चौराहे में बेचा है। लाठी महल चौराहे में, हाँ, यहाँ 2 साल भय खोले। 2 साल से है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या लोकेशन पड़ती है, थोड़ा सा जगह आपको बताइए, कैसे हम आ पाएंगे यहाँ पे? यहाँ पे, हाँ, ये नएगंज चौराहे से मिला हुआ बिरहाना रोड है। बिरहाना रोड है, ठीक है, शंकर बतासी वाले के बगल में। क्या बात है। तो ये आपकी शॉप, हमने देखा आप कृष्ण जी के, ये कृष्ण जी के कई सारी फोटो लगा रखी है। हाँ, तो ये उन्हीं का ये अस्तित्व है ही है, उनको ही पसंद है, उनको ही पसंद है, तो हमें भी पसंद है। क्या बात है, हमारे ग्राहकों को भी पसंद है। हाँ, क्योंकि काफ़ी अच्छा सा हमने यहाँ पे शॉप देखा है, यहाँ पे कृष्ण भगवान की बहुत सारी फोटो लगी। और बेसिकली ये कहा जाता है कि मक्खन कृष्ण जी को पसंद है, होता ही है, तो आप मक्खन मलाई बेचते हैं? हाँ। तो मक्खन मलाई के साथ क्या क्या और क्या क्या बेचते हैं आप? इसी का दूध जो गला हुआ वो बेचते हैं, और गर्मी में मिल्क बादाम और कुल्फी फालूदा बेचते हैं। अच्छा, तो सर्दियों में, सर्दियों के टाइम में आप ये मक्खन मलाई? हाँ, 5 महीने दशहरे से इधर जहाँ रावण मरता है, हाँ, और उधर जहाँ होली में आग लगती, बस इसी 5 महीने में मक्खन रहता है। उसके बाद फिर वो कुल्फी और मिल्क बादाम की बोतलें होती। थोड़ा दिखाइएगा हमको अपने मक्खन कहाँ कहाँ आपने रखा हुआ है। ये रखे हुए हैं, हाँ, ये देखिए दोस्तों, ये इनके मक्खन रखे हुए हैं। ये तीन, मतलब एक ही चीज़ है, तीनों में। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा सा बना हुआ है, इसको दिल्ली में दौलत की चाट कहते हैं, दौलत की चाट बोलते हैं ना अंकल जी? हाँ। और ये मक्खन है पूरा बढ़िया सा, इसके ऊपर क्या क्या पड़ा हुआ है? ये ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं, बादाम, पिस्ता, काजू बादाम और पिस्ता, इसको देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये अंकल जी क्या पड़ा हुआ है? ये सिरप किस चीज़ का होता है आपका? ये केसर है। क्या बात है जी। तो अंकल जी अभी रेट इसका क्या क्या चल रहा है? शुरुआत आपने, मतलब जब शुरू हुआ था 48 साल पहले, तब ये कितने रुपए किलो बिकता था? अरे कम से कम हमारी समझ से 5 रुपए किलो होगा। अच्छा, तब ये 5 रुपए किलो, अब 540 रुपए किलो, 540 रुपए में। हाँ। तो दोस्तों देख रहे हैं, 5 रुपए से और 540 में काफ़ी अंतर हो गया, लेकिन काफ़ी समय भी हो गया, 50 साल हो गए, और अंकल जी यहाँ पे हमारे साथ लगे हुए हैं। तो अंकल जी आज हम भी आपके पास मक्खन और मलाई ट्राई करने आए हैं, तो हमारे लिए भी लगाइएगा, देखें हम भी कैसे आपका स्वाद है, थोड़ा सा निकालिएगा हमारे लिए। उसके पहले तो हम पढ़ते रहे। अच्छा, पूरी शिक्षा ग्रहण करने के बाद मक्खन बेचा। अच्छा, ये बात है। और आपका जो मिल्क होता है वो कैसा होता है, दिखाइएगा? उसी का गला हुआ होता है। हाँ, वो भी निकालिएगा, हम वो भी दिखा देंगे। ये इधर, इधर ला, ये देखिए दोस्तों, ये केसरिया मिल्क है। हाँ। ये केसरिया दूध है, इसके ऊपर से भी मक्खन जाता है। हाँ। क्या बात है जी, ये ऊपर से भी मक्खन जा रहा है, और ये जा रहे हैं ड्राई फ्रूट्स, और ये कंप्लीट हो गया। ये ग्लास कितने का हुआ आपका? 40 रुपये। ये 40 का, और ये मक्खन 35 रुपये का। तो दोस्तों देख रहे हैं, हाँ बोलिए, ये सर्दियों में ही आपको कानपुर में मिलता है। ये देखिए दोस्तों, हम लोगों ने ले लिया है शुक्ला मक्खन भंडार में से, क्या लिया है, ये मक्खन मलाई ली है, दौलत की चाट, जो कानपुर में सिर्फ 5 महीने तक मिलता है सर्दियों के टाइम पे, और लिया है केसरिया मिल्क, ये भी उसी का ही बना हुआ है दूध है, केसरिया मिल्क है। तो आइए इनको पीते हैं, इनका स्वाद आपको बताते हैं कैसा है। सबसे पहले ये दौलत की चाट लेते हैं, मक्खन मलाई, ये देखिए अंकल जी ने बताया कि कृष्ण जी इसके बहुत ही दीवाने थे, क्योंकि वो मक्खन खाते थे, ये मक्खन का ही बना हुआ है, पूरा मक्खन है, मक्खन मलाई को खाते हैं हम लोग। दोस्तों माउथ में जाते एकदम मेल्ट हो जाता है, सॉफ्ट का एकदम फ्लेवर है इसका, सॉफ्ट का एकदम फ्लेवर है, एकदम माउथ मेल्टिंग है। और जो इसमें जो मीठापन है वो हल्का सा मीठापन है, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं, बढ़िया सा स्वाद आ रहा है,
ऊपर से जो ड्राई फ्रूट्स पड़े उनका काफ़ी अच्छा सा टेस्ट है। आइए के साथ देखते हैं इनका जो कैसेरिया मिल्क है उसके ऊपर से भी साथ में इन्होंने क्या डाला है, पूरा मक्खन डाला है। ठीक है, इसको भी पीते हैं। पहले मक्खन को इसे हटाते हैं चम्मच से, अब इसको पीते हैं। तो काफ़ी अच्छा फ्लेवर इसका भी है मिल्क का, क्योंकि इसमें केसर का स्वाद आ रहा है और मक्खन तो अच्छा सा पड़ा ही है, जो माउथ मेल्टिंग है उनको खाकर मज़ा ही आ गया। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप कानपुर के रहने वाले हैं या कभी भी भविष्य में कानपुर घूमने आने वाले हैं, तो जब भी भैया आप बिरहाना रोड पर आइए, तो कहाँ पर आइए, शुक्ला मक्खन भंडार है, ये देखें शुक्ला मक्खन भंडार है, जहाँ पे सर्दियों के टाइम पे मिलता है मक्खन मलाई और केसरिया दूध। और अगर आप गर्मी के टाइम पे आते हैं तो यहाँ पे कुल्फी और बादाम मिल्क मिलता है। यहाँ पर ज़रूर आइए और यहाँ पर आकर के ये मक्खन मलाई ट्राई ज़रूर करिए। और भैया हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।